हेलो दोस्तों, पिछले साल मैं ये भारत माता का मूर्ति बना के दिखाया था आपको। आज मैं इनको कलर करके दिखा रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं पूरा मूर्ति को अच्छे से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना। पिछले साल 15 अगस्त के पहले टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं उसी दिन सोच लिया था पिछले साल करूँगा इसको। अब पूरा मूर्ति को अच्छे से सफ़ेद कलर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं डिस्टेंबर का यूज़ कर रहा हूँ। सिर पे दे रहा हूँ, देखिए। स्किन कलर बनाने के लिए मैं सफ़ेद में हल्का सा ऑरेंज कलर और एकदम हल्का सा येलो कलर मिलाया है। बॉडी पे अच्छे से दे रहा हूँ, देखिए। हाथ पे दे रहा हूँ आप। सिर का कलर मैं बनाया येलो में हल्का सा ब्राउन मिला के, उसको अच्छे से दे रहा हूँ। बॉडी में दे रहा हूँ, देखिए। नॉर्मल येलो कलर लेके इस तरह से दे रहा हूँ, जिधर पे हाईलाइट होगा उस जगह पे, और उसको पानी से अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। बाल को मैं अभी ये वाला कलर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ब्राउन कलर कर दूंगा। कुछ कुछ जगह पे सफेद कलर दे रहा हूँ, देखिए। नाक में गुलाबी कलर करूंगा। माँ के बॉडी में सेट दिखाने के लिए ये ऑरेंज कलर दे रहा हूँ और उसको पानी से ब्लेंड कर रहा हूँ, देखिए। हाथ पे गला पे भी सेम तरह से कर दिया था। ये ग्राउंड में ग्रीन कलर कर रहा हूं। ब्लाउज को मैं रेड कलर कर रहा हूं। आप साड़ी के वाइज कलर चूज कर लेना। ये हाथ में गुलाबी कलर कर रहा हूं। ये वाला हाथ में एक डिजाइन कर रहा हूं। रेड कलर से दाग दे रहा हूं हाथ में। सिर के बाल के बीच बीच से ये ब्लैक कलर दे रहा हूं। ये नाक में अब ब्लैक कलर दे रहा हूं। आंख में भी ब्लैक कलर कर दिया और उसके भीतर येलो कलर कर रहा हूं। अब माँ का आईपेंट करूंगा। पहले तो ब्राउन कलर से एक आउटलाइन कर रहा हूं। आईब्रो पे दे रहा हूं, देखिए। अब ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहा हूं, देखिए। बहुत ध्यान से करना। ये आईब्रो पे दे रहा हूं। दूसरे आंख पे कर रहा हूं। आईलैशेस को बना रहा हूं। बाल के जगह ब्लैक कलर दे रहा हूं। ये होठ पे गुलाबी कलर दे रहा हूं। बाद में रेड से आउटलाइन कर दूंगा। बिंदी पे भी गुलाबी कलर दे दिया। आंखें भीतर ब्लैक कलर दे रहा हूं।
और उसके भीतर ब्राउन कलर दे रहा हूँ, आप देखिए। माथे पे सफेद से थोड़ा डिजाइन कर रहा हूँ। ये आंख ड्रॉ करना हो गया, अब पूरा मूर्ति पे अच्छे से वार्निश अप्लाई कर रहा हूँ। सिर पे भी दे रहा हूँ, देखिए। ये कलर करने के बाद फाइनल लुक देखिए आप। अब कपड़ा पहनाऊंगा, ये ऑरेंज कलर का एक कपड़ा काट लिया, इसको इस तरह से दे रहा हूँ, देखिए। ये दूसरे साइड दे रहा हूँ, बीच से ग्रीन कलर को दे रहा हूँ। ये ऊपर में भी ऑरेंज कलर दे रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर का नीचे सफेद कलर का कपड़ा दे रहा हूँ, ये नीचे साड़ी का लेस दे रहा हूँ, ऊपर में भी दे रहा हूँ, देखिए। ये थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी पहना रहा हूँ, ये वाला ज्वेलरी को मैं बना लिया, इसको पहना रहा हूँ, देखिए आप। एक एक करके लगा रहा हूँ, हाथ में भी दे रहा हूँ, ये बाल लगा रहा हूँ अब। माथे पे एक सिंदूर दे रहा हूँ, ऊपर में भी बाल दे रहा हूँ, देखिए। ये साइड साइड से बाल को दे रहा हूँ। माथे पे एक मुकुट दे रहा हूँ और माथे पे ये वाला एक ज्वेलरी दे रहा हूँ। ये वाला फ्लैग को तो मैं पहले ही कलर कर लिया था, इसको अब दे रहा हूँ हाथ में। ये रहा मूर्ति का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलना, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं बहुत दिन पहले एक कृष्णाकाली मूर्ति बनाया था, लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट टूट गया, इसलिए मैं उनको नहीं कलर कर रहा हूँ। आप अगर बोलोगे तो मैं उनको भी कलर करके दिखाऊंगा, वो सब रिपेयर करके। मैं सोचा था रेड कलर का एक आंचल दूंगा हमारा जवानों का खून दिखाने के लिए, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया। अभी सोच रहा हूँ दे देता तो अच्छा लगता। आप अगर कुछ मूर्ति बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में भेजना। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलना, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।